जो बड़ा फैसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पूरा पढ़ लिया है। अब इसी फैसले का पूरा विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे बाजार के जाने माने दिग्गज के आर चौकसी सिक्योरिटीज के देवेन चौकसी साहब। देवेन भाई, जो इनिशियल डिटेल्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, सबसे पहले बताएं फर्स्ट रिएक्शन आप कैसे देख रहे हैं इसे? तो अनिल जी, आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम जिस चीज को ज्यादातर ध्यान देते हैं इसके अंदर, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है सेबी को। सेबी को बोला है कि आप अपने जो प्रोब है वो कंप्लीट करें। और ओनली सेबी ने मेरे ख्याल से आई थिंक उनके जो प्रोब थे वो कंप्लीट किए हैं। उन्होंने बता दिया है कि एज फार एज दे आर कंसर्न, दे हैव नॉट फाउंड एनीथिंग रॉन्ग इन दिस एंटायर एक्टिविटी। सो टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक ये चुकादा मेरे ख्याल से सेबी ने ऑलरेडी दे दिया है। बट एक चीज जो मैं ध्यान से देखना चाहता हूँ उसके अंदर, जो एक एक्सपेक्टेशन था कि आइदर सुप्रीम कोर्ट में गिव डायरेक्शन टू सीबीआई टू कंटिन्यू द प्रोब, बट वो चीज उन्होंने नहीं की है। आई थिंक द सीबीआई को प्रोब देने, सुप्रीम को प्रोब करने के लिए अभी तक उसका कोई डायरेक्शन नहीं दिया है। सो दैट्स अ गुड क्लैरिटी विच सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर केस। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट विच आई एम ऑब्जर्विंग, कि 3 महीने के अंदर ये मैटर कंक्लूड करने का आदेश दिया गया है। So that means I think we are now having a certainty that by 31st March, hopefully, I think the matter would be completed and I think this particular case will be out of the box. जो चीज के ऊपर हम सबसे ज्यादा एक पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना चाहते थे और उसके ऊपर आई थिंक शायद मेरा पहले भी एक आग्रह था ये चीज के ऊपर, कि इंडियन रेगुलेटर शुड हैव बेसिकली ओपन देयर डायलॉग बॉक्स विद द ग्लोबल रेगुलेटर्स, पर्टिकुलर SEC, कि जहाँ पे इंडियन लिस्टेड कंपनीज के ऊपर आउटसाइड द मार्केट से एक अटैक हुआ है बिकॉज ऑफ आई थिंक व्हाटएवर द बॉन्ड ट्रेडिंग व्हिच हैज हैपेंड, आई थिंक द सिमिलर अमाउंट ऑफ आई थिंक द टिप्स शुड बी अवेलेबल टू द इंडियन रेगुलेटर टू गो एंड प्रोब द डिस्क्रिमिनेंट, द पर्सन आई थिंक हु हैज बेसिकली प्लेड अराउंड विद दिस सब्जेक्ट, उसके ऊपर प्रोब करने का एक उनको अथॉरिटी मिलना चाहिए। हम देख रहे हैं कि हिंडलबर्ग के ऊपर कोई तरीके का कोई प्रोब एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक इट लीव्स अ डाउट इन द माइंड कि कल उसके दूसरे कोई भी कारण सर कोई भी बार के ट्रेडर्स आके मार्केट परफेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज के ऊपर मैं एक थोड़ा डायरेक्शन देखना चाहता था आइदर सेबी की तरफ से या आई थिंक द कोर्ट की तरफ से, वो शायद इसके अंदर नहीं मिला है। आइए इसी पर एक बार जरा राय ली जाए। जाने माने कॉर्पोरेट वकील सुहास तुलजापुरकर साहब भी हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में। सुहास जी, स्वागत है आपका। बताएं सर, कैसे देख रहे हैं आप इस डिसीजन को और क्या ये माना जाए क्लीन चिट है या फिर अभी भी दो मामलों की जो जांच बाकी है जिसके लिए सेबी को 3 महीने का समय दिया है उसका इंतजार करना ठीक रहेगा? नहीं अनिल जी, देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है। इसके ऊपर सही गलत भला बुरा इसके ऊपर टिप्पणी होनी नहीं चाहिए। इसमें से हमें सीख क्या मिलती है, इसके ऊपर टिप्पणी होनी चाहिए। और ये बात से ये तय होता है कि अनुपालन यानी कंप्लायंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनका एक बहुत गाढ़ा संबंध है। ये निर्णय से ये पता चल रहा है आज की तारीख में कि सेबी ये कहीं यहां पे कहीं नियामक की विफलता नहीं है, सेबी की कोई विफलता नहीं है। इन्होंने अपनी जो ड्यूटी है रेगुलेटर बोल के वो पूरी तरह से निभाई है। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, अभी ऐसा है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन अगर बाकी होगा तो वो सेबी के दायरे में ना आने वाले एंटिटीज के बारे में है जो कि बियॉन्ड इंडिया ज्यूरिसडिक्शन है। तो इसका बहुत सारा असर तो होना नहीं है जो बचा है इसका। इसमें से एक सीख मिलती है कि मीडिया रिपोर्ट्स कितने भी कहलवाए कि रिसर्च ओरिएंटेड है, इनके ऊपर निवेशकों ने कितना भरोसा रखना चाहिए, यह बहुत बड़ी सीख है। क्योंकि क्या होता है कि छोटे निवेशकों के बारे में मीडिया रिपोर्ट बड़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, इनका इनका बहुत कुछ दायरा होता है और इनका मायना छोटे छोटे इन्वेस्टरों के लिए बहुत भारी पड़ता है। अभी अडानी के बारे में अगर देखा जाए तो हमें यह देखना चाहिए कि अडानी एक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर ग्रुप है और इंफ्रास्ट्रक्चर यह तो मूलभूत तत्व पे विदाउट रिकोर्स फाइनेंसिंग पे चलता है। तो यह थोड़ी सी बात संभाल लेनी चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि अडानी ग्रुप आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप है। दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटीज रिलेटेड लॉज और वो जो इन्वेस्टर की सेंटिमेंट्स हैं
इनके बारे में कोई भी जानकारी जो मिलती है उसके ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ना बहुत 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 बहुत, बहुत बार तो डेंजरस होता है। तो यहाँ पे यह समझ में आ रहा है कि, और ये बड़े सुख की बात है, गर्व की बात है, सेबी एज ऑन द स्पॉट रेगुलेटर हैज डन इट्स जॉब वेरी वेल। अभी अनुपालन है, अनुपालन के बारे में कोई, कंप्लायंस के बारे में कोई खामियां नहीं है, कोई कमियां नहीं है, ऐसे रिपोर्ट में बताया जा रहा है। जी जी और ये बात भी जानकारी के लिए अच्छी होगी कि अनुपालन अपनी जगह होता है और डिस्क्लोजर्स और कॉरपोरेट गवर्नेंस अपनी जगह होता है, या दोनों का मिलाप भी होता है। मगर इस बारे में, अडानी और हिडनबर्ग के रिपोर्ट के बारे में, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है, ठीक इसके बात, ऊपर ठीक कोई जी जी टीका नहीं है। ठीक बात है। तो अभी आ बात जो जो जी आगे फ्यूचर में क्या होना चाहिए, जी वुड एज इंडिया और एज ज्यूरिसडिक्शन शुड बी रेगुलेट दीज काइंड ऑफ रिपोर्ट्स एंड देयर इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये मुझे नहीं लगता है कोर्ट के दायरे वाली बात है। बट आज ऐसे लगता है कि ये बात बहुत जरूरी है कि जी कोई रिपोर्ट अगर पब्लिश होता है जी जो जो इंडियन ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई ली जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह भी मानना है कि ये रिपोर्ट अगर गलत हो गए तो हिडनबर्ग के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये पूरा का पूरा एक्शन, आइए एक बार जरा शामिल करता हूँ मैं फिर से देवेन भाई को भी। देवेन भाई, क्या इन्वेस्टर्स के लिए अभी कोई कुछ संशय, कुछ और चीज़ आना बाकी जिसका उनको इंतज़ार करना है, उनके लिए क्या डायरेक्शन मिलता है इस पूरे डिसीजन से, और उन्हें क्या करना चाहिए? अनिल जी, आई थिंक जो हिसाब से आई थिंक कोर्ट का रूलिंग भी आया है उसके हिसाब से देखे तो इन्वेस्टर के लिए एक शांति हो गई है कि आई थिंक कंपनी और द ग्रुप हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। सो दिस इज फंडामेंटली इम्पोर्टेंट। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट, इन्वेस्टर ये भी देख रहा है कि पिछले 12 महीने के अंदर ग्रुप के अंदर क्या बदलाव आया है। आई थिंक काफी हद तक नए कैपिटल का इन्फ्यूजन हुआ है, नए इन्वेस्टर्स कंपनी के अंदर और ग्रुप के अंदर आए हैं। एट द सेम टाइम उनका जो इबिटा है, कंपनी का जो प्रॉफिट परफॉर्मेंस है, वो करीबन 20% रेट से ग्रो हो रहा है। तो करंटली अगेंस्ट आई थिंक द इबिटा, द नेट डेट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इज लिटिल लेस देन 4 टाइम्स, विच इज नॉट बैड एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस इज कंसर्न। क्योंकि एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस आर जनरेटिंग कैश, दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग कैश फॉर 25 to 50 ईयर्स। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक द डेट इज अंडर कंट्रोल, द सर्विसेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ द डेट इज अंडर कंट्रोल। सो टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक इन्वेस्टर विल लुक एट दिस डेटा वेरी वेरी क्लियरली। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक द मीडिया रिपोर्ट केम इन ऑफ हिंडलबर्ग आई थिंक वॉज नॉट लुकड एट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट नन द लेस आई थिंक नाउ द डेटा इज इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर एंड द कोर्ट जजमेंट एंड रूलिंग इज ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इन्वेस्टर विल प्रॉबेबली टेक अ मेजर्ड कॉल ईयर आफ्टर एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। ठीक बात है। तो चलिए, एक अनिश्चितता खत्म हुई ये साफ है, और साथ ही सुहास तुलजापुरकर साहब भी ये बता रहे हैं कि अब इस पर कोई क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं। देखते हैं आगे किस तरह का इम्पैक्ट होगा। हालांकि स्टॉक्स में थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, क्योंकि नतीजे से पहले ये स्टॉक्स काफ़ी तेज़ दौड़ लगाते हुए दिखे। देवेन भाई और सुहास सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इस डिसीजन पर आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया।